कई लोगों को ये लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है, जो अंग्रेजों ने लिखा, वही इतिहास सही है। किंतु अंग्रेजों ने केवल वो इतिहास लिखा जो इतिहास हमारे समाज का तेजोभंग करना चाहता था, जो ये बताना चाहता था कि ये हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति, ये दकियानुसी संस्कृति है, ये किसी भी प्रकार से कोई दिशा नहीं दे सकती। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारी सभ्यता की जड़ें इतनी मजबूत है कि अगर ये जड़ें जड़ से नहीं हिलाई तो हमारे ऊपर राज नहीं किया जा सकता। आज इतने आक्रांताओं ने आकर हमारे देश पर आक्रमण किया, प्रभु श्रीराम जी का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, इसका कारण क्या था? वो जानते थे कि जब तक आस्था के ऊपर प्रहार नहीं होगा तब तक ये आस्था समाप्त भी नहीं होगी और ये सनातन धर्म समाप्त भी नहीं होगा। लेकिन वो जानते नहीं थे कि सनातन धर्म ये इतना मजबूत है क्योंकि ये सत्य के आधार पर खड़ा धर्म है, ये प्रकृति के आधार पर खड़ा धर्म है, ये आचरण को और आचरण की शुद्धता को महत्व देने वाला धर्म है। और इसलिए इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी न हमारी संस्कृति मिटी, न हमारी सभ्यता मिटी, न हमारे विचार मिटे, न हमारी परंपरा मिटी, न हमारे आश्रम मिटे, न हमारी गुरुओं की परंपरा मिटी। उल्टा जितने हमारे ऊपर आक्रमण हुए, ये सारे आक्रमणों में हमारी इस परंपरा ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का काम किया और इस धरोहर को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम किया। सभ्यता की जड़ें ये बहुत मजबूत है। अभी तो नए नए संशोधन हो रहे हैं और हमारे जो इतिहास तज्ञ हैं, हमारे जो डीएनए एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने तो अब सब प्रमाण ये हमारे सामने रखा है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये भारतीय सभ्यता है। इससे पुरानी कंटिन्यूअस कोई भी सभ्यता यहां पर नहीं है, ये आज ध्यान में आया। अंग्रेजों ने तो गलत पाठ पढ़ा दिया था, कहते थे आर्य बाहर से आए थे, यहां तो द्रविड़ थे, उनके साथ संघर्ष हुआ, फिर द्रविड़ों को दक्षिण में जाना पड़ा, आर्यों ने कब्जा कर लिया, इस प्रकार का गलत इतिहास हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब डीएनए के संशोधन के बाद नए नए खुलासे बाहर आ रहे हैं और उसके बाद यह पूछा गया कि अगर आर्य बाहर से आए थे तो फिर संघर्ष कहां हुआ बताइए। जब संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं जगह होती है, कहीं ना कहीं युद्ध होता है, कोई नहीं बता पाया। फिर इन्होंने थियरी चेंज कर दी, कहने लगे नहीं जी, बाहर से आकर युद्ध नहीं किया था, वो तो घूमते घूमते आए थे, घूमते घूमते आए थे तो फिर कहां बसे, कैसे बसे, लोग कहां से कहां गए, ये भी नहीं बता पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये जो डीएनए का सारा मसला सामने आया और उसके बाद हमारे पुणे के प्रोफेसर शिंदे हैं या हमारे अभिजीत चावड़ा जैसे संशोधक हैं, इन्होंने जो चीजें सामने रखी, आज राखीगढ़ी जैसी या बिराना जैसी जो हमारे देश की विरासतें साथ में मिली, हम तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करते थे, उससे भी 4000 साल पुरानी सभ्यता हमारी मिली। और ये सारी सभ्यता में बिल्कुल कंटिन्यूअस इस प्रकार की, जिसमें कोई भी खंड नहीं हुआ, इस प्रकार की ये सारी सभ्यता। और इस सभ्यता में ये पाया गया कि डीएनए का हैप्लो ग्रुप होता है R1A1A, ये दुनिया का सबसे बड़ा हैप्लो ग्रुप है। इस हैप्लो ग्रुप के सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वो पाया जाता तो भारत में पाया जाता है। और ये भी पाया गया कि भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत में बसता हो, चाहे उत्तर भारत में बसता हो, चाहे कश्मीर में बसता हो, चाहे कन्याकुमारी में बसता हो, बंगाल में बसता हो या गुजरात में बसता हो, हर भारतीय का हैप्लो ग्रुप एक है। तो ये जो थियरी थी कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है, भारत में दो संस्कृतियां बसती है, ये सारी थियरी को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं तो हमारे यहां पर अब इस डीएनए ने ये बात को भी समाप्त कर दिया, जो हमारी जाति व्यवस्था में ये कहा जाता था कि ये कोई श्रेष्ठ है और ये कोई कनिष्ठ है और जन्म से कोई बड़ा है और जन्म से कोई छोटा है। तो इस देश के अंदर चाहे वो अंडमान का आदिवासी हो
या बंगाल का ब्राह्मण हो या उत्तर प्रदेश में जिसको हमने दलित का ऐसा व्यक्ति हो, सभी का डीएनए एक निकला तो हम सब एक बाप की संतान है, एक धरोहर को लेकर हम सब लोग इस देश की सभ्यता में जी रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आई और इसके साथ साथ ये भी आज हमारे संशोधकों ने इस बात को भी प्रतिपादित किया कि दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई टेक्स्ट है, सबसे पुराना कोई लिपि या कर कोई पुस्तक है तो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का वर्णन है, और सरस्वती नदी का इस प्रकार का वर्णन है कि एक ऐसी नदी है जो नदी नहीं नद है, जो बहती है और जब पूरे तरीके से बहती है तो कैसे उसका आवाज आता है, किस प्रकार से उसके बाढ़ के कारण विपदाएं आती है, ऐसा सारा वर्णन है। और हमारे शास्त्र में ये कहते हैं कि इस वर्णन का अर्थ यह है कि जब सैटेलाइट से इसका मैपिंग किया गया और इसका कार्बन डेटिंग किया गया तो ध्यान में आया कि इस प्रकार से सरस्वती नदी बहती कब थी, 9000 साल पहले इस प्रकार से बहती थी। तो कम से कम 8 से 9 हजार साल पहले ऋग्वेद की रचना तो कम से कम की गई है। तो दुनिया का आज सबसे पुराना जो रचना है वो 4 से 5 हजार साल पुरानी है, लेकिन उससे भी कई साल पुरानी, उससे कितने साल पुरानी है ये तो हमको पता नहीं है, पर कम से कम इतनी पुरानी तो ये रचना है। इस प्रकार की सारी बातें आज सामने आ रही है, और ये कोई मेरा संशोधन नहीं है, मैं तो ये सारी चीजें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी ये सारे संशोधन देख सकते हैं, अब ये सारे संशोधन जर्नल्स में प्रसिद्ध हुए। पहले जब हमारे संशोधक इस प्रकार का संशोधन करते थे तो यूरोपियन जर्नल उसको छापते नहीं थे, अब ऐसा नहीं है, अब यूरोपियन जर्नल भी छापते हैं, अमेरिकन जर्नल भी छापते हैं, क्योंकि दुनिया में अब पूरे विज्ञान के साथ सबूतों के साथ हमारी सभ्यता के पुराने होने की इस बात को प्रतिपादित किया गया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, और उस परंपरा में हमारे पूज्य संतगणों की एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसको बचाने में, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे ले जाने में। और विशेष रूप से आद्य शंकराचार्य जी का तो हम सबके ऊपर ये उपकार है कि जिस समय शायद ये परिस्थिति थी कि धर्म समाप्त हो जाता, ऐसे समय फिर एक बार उसको प्रतिष्ठित करने का काम उन्होंने किया, और उसी परंपरा को चलाते चलाते उसी परंपरा के एक निर्वाहक आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, आज इनका अभिनंदन करने का अवसर हमको मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हम तो गुरुओं के लिए क्या मांग सकते हैं, उनसे हम मांगते हैं, हम उनके लिए तो कुछ मांग नहीं सकते, फिर भी ईश्वर से तो मांगा ही जा सकता है, इसलिए ईश्वर से इतनी प्रार्थना करते कि ईश्वर उन्हें दीर्घ आयुष्य दे, उन्हें बहुत अच्छा आरोग्य दे और सैकड़ों सालों तक, अभी तो 85 साल पूरे हुए हैं, लेकिन जब 100 साल पूरे हो तब भी इसी प्रकार का मौका मिले और हम सब लोग भी उस समय यहाँ उपस्थित रहे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।